फंड्स में मैंने मंडली ठीक है। आज हम निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे कल के लिए, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या संभावनाएं रह सकती हैं मार्केट में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजी बाय बिना मंडली, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज, ब्लॉग है बिना मंडली मंडल ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग, फेसबुक पेज है हेजिंग स्ट्रेटजी बाय बिना मंडली, व्हाट्सअप नंबर है 9699646408। आप सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब में हमारे साथ जुड़िए, तो सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। देखिए ये हमारा जो ब्लॉग है ये अब आप अपनी रीजनल लैंग्वेज जो आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज में पूरा सब पूरा ब्लॉग जो है वो पढ़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है, यहाँ पर जाके आपको जो भी आपकी लैंग्वेज है वहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे सपोज आपकी मराठी है, मराठी पे क्लिक करेंगे देखिए मराठी में हमने क्लिक करा तो पूरा सब मराठी में आ गया, सब पूरा चेंज हो गया, हिंदी था हिंदी से मराठी हो गया। इसे आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको जैसा सपोज आपको तमिल में करना है तमिल में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करा आपने, ये देखिए तमिल में आ गया पूरा सब। तो आप अपने हिसाब से जो आपको लैंग्वेज ईजी लगता है, जो समझ में आता है, वो यहाँ पर डाल के आप पूरा ब्लॉग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके तो ये ब्लॉग में जरूर जुड़िए। ब्लॉग में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपना मेल आईडी डाल के सबमिट कर देंगे तो भी आपको सारी डिटेल्स हमारी तरफ से मिल जाएंगी। ओके तो ये हो गया ब्लॉग, और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसमें जरूर जुड़िए, इसमें लेटेस्ट अपडेट्स हम डालते रहते हैं अपनी तरफ से। देखिए यहाँ पर डाला था रिलायंस का, और भी जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो सब हम डालते रहते हैं। देखिए हमने कल आपको भेजा था ये हमें लगता है 11,607 के आसपास बाजार आना चाहिए। देखिए आज वो तोड़ के नीचे आया, फिर क्लोजिंग जो है वो 633 के आसपास दिया, जबकि लास्ट ट्रेड प्राइस 618 हमारे काफ़ी क्लोज में लास्ट ट्रेड प्राइस चल रहा था। ओके तो हम चार्ट की तरफ चलते हैं पहले। ये देखिए ये आ गया हम निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ देखिए सेल सिग्नल इसने दिया था, सेल देने के बाद कितना अच्छा नीचे आया, यहाँ पर बाय दिया, बाय देने के बाद ऊपर की तरफ इसने प्रॉफिट करके दिया है। ओके तो चार्ट पे अब बाय दिखा रहा है, चार्ट पे बाय दिखा रहा है 15 मिनट के, लेकिन मैं डेली चार्ट पे भी इसे देखूँगा। डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। चलिए डेली चार्ट पे जब तक आ रहा है तब तक एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा। देखिए ये हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल हेजिंग स्ट्रेटजी बाय बिना मंडली, इसमें आप अगर ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन की बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, इनसे आप स्टडी करके नोट्स बना के खुद से भी सीख सकते हैं। मेरे से सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9699646408 जिस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नए लोग बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और जो भी पुराने हमारे फैमिली के मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ शेयर कर दिया करिए वीडियो को, लाइक कर दिया करिए, अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दिया करिए। ओके चार्ट देख लेते हैं। देखिए डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे अभी भी मेरे को निफ्टी सेल ही दिखा रहा है। और देखो मैंने ये जो लेवल आपको बोला था जब यहाँ गया था तब से मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये लेवल दोबारा एक बार दिखाएगा, तो उसने ये लेवल आज दिखा दिया आपको। उसके भी नीचे लेके आए थे, इसके भी नीचे लेके आए हैं, तो जो मेरा जो टारगेट था वो तो फिलहाल अचीव हुआ है। अब आगे के लिए जो मेरा जो डायरेक्ट टारगेट बन रहा है वो चलो मैं आपको बताया था, मैंने निकाला है टारगेट, लेकिन मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कितना तक मेरे को लगता है अब यहाँ से बाजार। चलिए हम ऑप्शन चेन को ले लेते हैं, इसे हम पहले ले लेते हैं पेंट में, थोड़ा समझने के लिए ईजी रहेगा। 12,633 पे क्लोज दिया है, 12,600 के आसपास आ जाते हैं हम। 12,600 कहाँ है, 12,600 ये आ गए हम 12,600 में। कॉल साइड देख लीजिए 8 लाख के ऊपर का राइटिंग है, यहाँ राइटिंग है, ये सब कॉल राइटिंग ही है। अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है सामने आपके, देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ देखिए ये सब कॉल राइटिंग है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ भूल जाओ, मेरे को ये लेवल भी दिखना मुश्किल लग रहा है अभी 11,700, ये वाला जो लेवल है 11,700 का ये दिखना भी मुश्किल लग रहा है। अब मैं बात करूँगा आपसे नीचे की, जो लेवल मैंने निकाला है आप लोग घबरा जाएंगे, वो लेवल जो मैं निकाल के बताऊँगा आपको
और आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर से राय लेके करिएगा, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। कॉल साइट का डेटा काफ़ी ख़राब है, एक बार पुट साइड में भी देखेंगे 11,600 में। देखिए यहाँ पर अच्छा खासा ये बाइंग, ये बाइंग, बारह लाख यहाँ पर है, 11,500 में, 600 में है 11 लाख। ओके देखिए मैं आपको, मैं जो अब काम करूँगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये जो लेबल है अभी 11,633 पर है स्पॉट। आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर राय लेके करिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरा अब जो टारगेट है वो टारगेट बन रहा है ये 11,227, 11,227 ये मेरा टारगेट है। ये टारगेट के हिसाब से अब मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा हेज में, जो भी पोजीशन है। और डेली तो जैसे पता है आपको मेरा चार्ट मेरे को सिग्नल देता है, डेली के हिसाब से मैं काम करके निकल जाता हूँ। मेरा अब जो टारगेट है वो है 11,227। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं शॉर्ट करके काम करना पसंद करूँगा निफ्टी को। टारगेट आपको बता दिया मैंने, शॉर्ट करने के बाद नेकेड नहीं छोड़ूंगा, हेजिंग जरूर करूंगा क्योंकि अभी काफ़ी ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ चुका है बाजार। यहाँ से एक रिवर्स भी दे सकता है, 100, 125, 150 पॉइंट का रिवर्स ऊपर की तरफ आ सकता है। 11,700 पकड़िए, 11,700 तक आ सकता है, उसके ऊपर मेरे को नहीं दिख रहा है। अगर 11,700 आता तो भी शॉर्ट ही करूंगा, कल भी अगर खुलेगा बाजार कुछ भी खुले प्लस माइनस तो भी शॉर्ट ही करना पसंद करूंगा। ओके और आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर राय लेके करिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज, हेजिंग, टेक्निकल्स, इंडिया डे के जो टेक्निकल्स हैं मेरे, तो मेरा नंबर है 9699646408। ये नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। व्हाट्सअप करने के बाद कॉल पे बात करनी है, फ़ोन पे बात करनी है तो फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस पर ज़रूर जुड़िएगा। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का? हेजिंग स्ट्रेटजीज। ओके तो देखो मैंने आपको अपना टारगेट दे दिया है, ये टारगेट अब मेरे को नज़र आ रहा है सीधे बाजार में। इससे पहले बीच में मेरे को अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, अगर बीच में कुछ रहेगा तो ज़रूर मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि घूम सकता है। लेकिन अब मेरा जो टारगेट है वो है 11,227। ओके और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी, शेयर्स भी नहीं करते हैं बिल्कुल भी। पसंद आता है तो दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, दूसरा भी कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट ले लेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा मैं सही रहता हूँ, लेकिन कभी कभी सही रहते हैं तो उसका बेनिफिट दूसरा थोड़ा बहुत ले लेगा, तो आपका उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए, कमेंट जरूर कर दिया करिए अगर अच्छा लगता है वीडियो। मेरे को व्हाट्सअप पे आप बोलते हैं सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया आपने, लेकिन यहाँ पे कमेंट करते हैं तो मेरे को उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। उसका बेनिफिट मेरे को क्या मिलता है, अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को, कमेंट करते हैं, तो मेरा वीडियो ऊपर की तरफ शो करता है। मीन्स अगर कोई भी सर्च करेगा हेजिंग स्टडी तो मेरा वीडियो उन्हें सबसे पहले दिखेगा। यही एक फ़ायदा मिलता है मेरे को कमेंट और लाइक का। बस अगर आप लाइक, जितना लाइक करेंगे मेरे वीडियो को उतना ज़्यादा मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा, कोई भी हेजिंग स्टडी सर्च करेगा तो मेरे वीडियो सबसे ऊपर दिखेगा। बस ये फ़ायदा मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को उस चीज़ का फ़ायदा मिले तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन पे क्लिक करके, ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ले लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल हेजिंग स्ट्रेटजी, इसमें ज़रूर जुड़िए, जिसका आप काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स हम डालते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।